पठानकोट के अबरोल नगर को जाने वाली सड़क पर पड़े गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। इस संबंधी राहगीरों और स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले लंबे समय से ये सड़क खराब हालात में है और उन्हें आने जाने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। लोगों ने जल्द ही सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है। जैसा कि आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो सड़क है इसमें काफी ज्यादा गड्ढे पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो रोड है वो काफी टूटा हुआ है, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात की जाए गड्ढों की, तो गड्ढे इतने ज़्यादा पड़ गए हैं कि लोग जो है सामान्य स्थिति में भी गिर सकते हैं। कभी कभार इमरजेंसी में लोगों को काफ़ी तेज़ गाड़ी चलानी पड़ती है, परंतु इन गड्ढों की वजह से ही वह लोग गाड़ी नहीं चला पाते। राजेश शर्मा, इसके बारे में मैं यही बोलूँगा, हम छोटी गाड़ियाँ तो लेके जाते हैं, जो बच्चे बुज़ुर्ग जाते हैं उनको, कईयों को कई प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्क की प्रॉब्लम्स होती है, कईयों को बीमारी होती है, अगर कोई झटके के कारण उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बॉडी के अंदर। तो मैं यही चाहूँगा, प्रशासन के आगे अपील करूँगा भाई, ये जल्दी से जल्दी जो टूटे फूटे रास्ते हैं, छोटे जो टूटे हुए रास्ते हैं, इनको बनाने की कृपालता करें, क्योंकि जो सामना दुनिया को पड़ रहा है लेने का वो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये सरकार को देखना चाहिए, ये सरकार की समस्या है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है ये इस चीज़ को ठीक करें। ये तो कम से कम भी 4-5 साल हो गए इसको टूटे हुए। रोड तो बहुत अच्छा था वैसे, और बीच बीच में अभी सभी टूट गया ये। हाँ जी मैम, बताइए अगर कोई सुने तो बताने के, तो हम और भी कमेटी के कई मेम्बर्स हैं जो हम इकट्ठे होकर जा सकते हैं, पर जाने का मतलब ये अगर कोई सुने, ठीक है ना। मैं तो प्रशासन के आगे आज भी यही बोलूँगा भी, इस चीज़ को आके गौर से देखें और अपने ध्यान में रखें ये चीज़ें। सभी को पता होता है जब हम वोट लेने जाते हैं ना, उन हर चीज़ को पता होता है, हर बंदे को पता होता है भी ये कहाँ से रोड टूटे हैं, ये चीज़ बननी चाहिए, ये मंदिर टूटा है, ये इस घर की और समस्या है, ये मोहल्ले की ये समस्या है, हर बंदे को ये पता होता है। जब बंदा अपील करता है इस चीज़ को, मैं वोट लेने जा रहा हूँ, हम इलेक्शन में खड़े हैं, उसको उस बंदे को हर चीज़ के बारे में पता होता है। पर हम इग्नोर कब करते हैं, जब हम बन चुके होते हैं उसके बाद हम इस चीज़ को नहीं भूल जाते हैं। और ये चीज़ें बिल्कुल याद रखनी चाहिए अगर पूरी ज़िंदगी में अगर लोगों के साथ जुड़ के रहना है तो। नाम है? और सर ये जो रोड टूटा हुआ है कदों तो टूटे हुआ है? ये काफ़ी देर तक टूटा है। और सर की मांग कर दो प्रशासन तो? ये मांग कर दे कि जल्दी तो जल्दी ठीक हो जाए, और लोगों को आने जाने की परेशानी तो थोड़ी हल हो जाए थोड़ा। हाँ जी मैम, की नाम अपना? ये रोड कब का टूटा हुआ है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि पब्लिक को सुविधा मिल सके। मैं 2-3 साल हो गए हैं तो मेरे को देखते हुए तब का टूटा ही होगा। देखिए बोला तो है ना, बोला तो है, अब तो प्रशासन को चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी इसका सुधार किया जाए। एवं हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर, ऑफिस, होटल, रिजॉर्ट या फिर अपनी कारोबारी बिल्डिंग को। फिर चाहे वो वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वेरायटी मिलेगी आपको केवल एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट, द बिगेस्ट होलसेलर एंड लार्जेस्ट स्टॉक कीपिंग इन द रीजन। एवन हैंडीक्राफ्ट है मैन्युफैक्चरर, कस्टमाइजर, इनोवेटर, बल्क सप्लायर्स एंड होलसेलर। एवन हैंडीक्राफ्ट Our product range are wall art, vases and planters, mirrors and cloths, figures and statues, artificial trees, floor and table lamps, consoles and nesting tables, chandeliers and much more. A1 Handicraft की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित है। जी हाँ, रस्ट फ्री। ये सब मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। हिमाचल प्रदेश में जम्मू के लिए भी थोक में परचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट, एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। एवन हैंडीक्राफ्ट, अ यूनिट ऑफ एवन केक्स एंड बेक्स, एडजॉइनिंग स्ट्रीट एवन केक्स एंड बेक्स, नजदीक पीर बाबा चौक, ढंग रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9417604147, 9780546468। रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट।